एक मिनट रुको, तुम यहाँ कैसे आए? तुम यहाँ कैसे आए? ये बात ही सीईओ से पूछता है। तभी सीईओ अपने साथ एक डॉक्टर को लेके आता है और बोलता है कि तुम मुझे मेडिकेट दो और तुम बाहर जाके खड़े रहो। डॉक्टर बोलता है ओके। तभी सीईओ जाता है और ही के पास जाके बोलता है कि बच्चे को मुझे दो, और लेकिन ही पीछे की तरफ अपने कदम बढ़ाता है और बोलता है कि वो बच्चे को नहीं देगा। तभी सीईओ बोलता है कि मुझे तुम दोबारा कहने पे मजबूर मत करो, मुझे तुम बच्चे को दे दो। तभी ही बोलता है नहीं नहीं, और बच्चे को अपनी गोद में कस के पकड़ के रखा होता है। तभी सीईओ बोलता है कि रात के इतने मिडिल नाइट में तुम लोग खेल रहे हो, तुमको पता भी है कि इस वक्त टाइम क्या हो रहा है। और वो बच्चे को यी की गोद से लेने की कोशिश करता है, और वो ये भी बोलता है कि क्या तुमने इस तरह अपने बच्चे को बड़ा किया है और इतनी लेट रात तक तुम उसे जागने देते हो, मुझे दो। और तभी बच्चा कुछ तो भी यी के पास से खींचने लगता है और तभी बोलता है वेट। तभी बच्चा यी के बालों को पुल कर लेता है और ये बोलता कि अरे मेरे बाल छोड़ दो, मेरे बाल खींच रहे हो तुम। तभी बच्चे के हाथ में उसके बाल आ जाते हैं ये के, और ये बोलता है कि मेरे बाल, और इसी तरह कहते हुए फिर पीछे की तरफ स्लिप हो जाता है और गिर जाता है। तभी जो सीईओ वो बोलता है कि वेट करो वेट करो, उसके हाथ में बच्चा होता है जिसका नाम रूरू है, और तभी वो भी अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल होते हुए उसका हाथ एक दूसरे के हाथ पे चला जाता है। सीईओ किसी तरह थोड़ा बहुत अपने आप को बैलेंस करता है और दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं, और रूरू उन दोनों के बीच में सैंडविच बन जाता है। और तभी सीईओ उसको प्यार भरी नजर से देखने लगता है और ये सोचता है कि ये कुछ ज्यादा ही उसके क्लोज तो नहीं है। और तभी सीईओ उसको बोलता है कि तुम जाओ और अपने आप को जाके ड्रेसअप करो, और उसके ऊपर एक कपड़ा फेंक देता है। और तभी ये बोलते हैं कि ड्रेसअप होने का क्या पॉइंट है, इस वक्त हम तो सारे ही आदमी हैं, जो तुम्हारे पास है वही मेरे पास है, तो क्या फर्क पड़ता है मैं ड्रेसअप हूँ या नहीं। तभी उसके दिमाग में एक बल्ब जलता है और वो बोलता है कि तुम इतनी रात में मेरे कमरे में क्यों आए, और तुमने मुझे ड्रेसअप होने के लिए भी कहा, आखिर क्या करना चाहते हो तुम। तभी सीईओ जो है वो सोफे पे बिठाता है रूरू को, और रूरू को उसका हाथ देखने के लिए बोलता है, और तब वो बताता है कि उसके हाथ में चोट लगी है और वो उसको चोट को ठीक करना चाहता है। और तभी बच्चा यी करके पुकारता है, और तभी यी के दिमाग में फिर से एक बल्ब जलता है और वो बोलता है क्या रूरू को हर्ट हुआ है और मुझे दिखाओ अपने हाथ को। तो रूरू यी को अपने दोनों हाथ दिखाता है जिसपे चोट लगी होती है उसके गिरने से। तभी ये बोलता है कि तुम्हें थोड़ा सा हर्ट होगा लेकिन फिर भी तुम टफ बॉय हो, तो तुम इसे मैनेज कर लोगे। और वो इसी तरह उसको बहला फुसला के उसके हाथ को वो करने लगता है, डिसइंफेक्ट करने लगता है, उस पर कुछ दवाई लगाता है। बच्चा जो है उसको थोड़ा थोड़ा रोना आने लगता है क्योंकि आखिरकार उसे दवाई लग रही होती है। और फिर उसके बाद ये उसके हाथों में फूंक मारता है और बोलता है कि देखो ये हो गया। और तभी बच्चा बोलता है कि मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है, मुझे यी का किस चाहिए। सीईओ इन दोनों की बातें सुनता है और उठ के जाने की कोशिश करता है, और यी बोलता है ठीक है मैं तुम्हें किस करूंगा। सीईओ दरवाजा खोलता है और चला जाता है। दूसरी तरफ यी रूरू के हाथ पे किस करता है, और जब सीईओ दरवाजा बंद करके बाहर खड़ा होता है तो सोचता है कि इन दोनों का रिलेशनशिप कितना अच्छा है, और इसी के साथ वो आगे बढ़ जाता है। तभी बच्चे को बोलता है कि यदि तुम्हें अगली बार कोई चोट लगे तो तुम्हें मुझे बताना होगा जिससे हम उसे डिसइंफेक्ट कर सकें, और जब हम डिसइंफेक्ट करेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो पेन भी ज्यादा देर लास्ट लॉन्ग नहीं करेगा। ऐसा कहकर वो बच्चे के हाथ में पट्टी बांध देता है और बोलता है देखो ये हो गया, अब इसमें डर्ट भी नहीं जाएगी और हमारे रूरू को पेन भी नहीं होगा। ऐसा करके दोनों खुश हो रहे होते हैं। डर्ट तभी उसे याद आता है बच्चे को कि डर्ट के बारे में कुछ तो भी हुआ था, तो उसे याद आता है कि जब वो उस जो आदमी गिर पड़ा था उसको ट्रीट कर रहा था तब उसके अंदर से कुछ लाल रंग का धुआं निकल रहा था और वो यी के अंदर गया था। तो ये बच्चा बोलता है कि ये तुम्हारे ऊपर डर्ट है,
और तभी ये बोलता है, डर्ट कौन सा डर्ट, मैंने तो अभी शावर किया था और शावर लेने के बाद तो मेरे में कोई डर्ट नहीं आना चाहिए। वो अपने आप को सूंघने लगता है और उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है, मैं तो बहुत अच्छा स्मेल कर रहा हूँ, तुम मानो या ना मानो। तभी बच्चा सोचता है कि मैंने सच में देखा था, वो आदमी के अंदर से ब्लीडिंग हो रही थी और वो बहुत हॉरेबल था। और उन तभी बच्चे को ये बोलता है कि ठीक है ये कोई ड्रीम भी हो सकता है, ये सब अपोजिट है, अब कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही और कोई इंजर नहीं है करके। और वो अपनी गोदी में रूरू को उठाता है और दोनों सोने के लिए चलते हैं। वो बोलता है बहुत लेट हो गया है तो अब हमें सोना चाहिए, और गुड बॉय कह के उसको सुला देता है और लाइट का लैंप भी बंद कर देता है। तभी सोने के बाद यही सोचता है कि उसे शायद वहां पर नहीं ले जाना चाहिए था, वहां ले जाने की वजह से सब कुछ मैसी हो गया है। रूरू को जो है वो स्केयर्ड भी होगा और वो रूरू को सॉरी बोलता है साइलेंटली, और फिर दोनों सो जाता है। और तभी बच्चा सोचता है कि वो डर्ट आखिरकार कहाँ चला गया। सवेरा हो चुका होता है, ये सो के अभी उठ ही रहा होता है और वो बड़े प्यार से रूरू की तरफ देख रहा होता है जो कि सो रहा होता है। रूरू की लाल मुंह से और होठों में से लाल टपक रही होती है। यी उसे प्यार से उसके गाल पे हाथ लगाता है। तभी यी को याद आता है कि अरे यहाँ कैसे, और वो उठ के बैठता है और देखता है कि उसका घर नहीं है। तभी उसे याद आता है कि कल रात को बहुत देर हो गई थी और उसने आसपास कुछ भी ध्यान नहीं दिया और वो सीधे ही जाके बिस्तर पे सो गया। उसे वहां पर रखी हुई सारी चीजें काफी महंगी और शानदार नजर आती है। तभी वो बोलता है कि ये घर काफी लग्जीरियस है और ये काफी अच्छा घर भी है, काफी पैसे वाला लोगों का घर होगा। और तभी वो रूरू को जाकर बोलता है कि उठने का टाइम हो गया है और साथ में सूरज भी बाहर निकल रहा है तो तुम्हें उठना चाहिए। तभी अपनी चप्पलें पहनता है और वो बाहर दरवाजे से निकल के देखता है। वो चारों तरफ देखता है तो उसे दिखाई देता है कि सर्वेंट्स जो है वो सब जगह पर तो काम कर रहे होते हैं। और तभी वो सोचता है कि ये अच्छी बात है कि सब लोग वहां पर काम कर रहे हैं। और तभी एक मेड आती है और बोलती है कि सर क्या आप उठ गए हैं, और ये जो है वो चौंक जाता है और बोलता है हाँ मैं उठ गया हूँ। तो मेड बोलती है कि ठीक है फिर आप हमारे साथ आइए क्योंकि हमारे मास्टर जो हैं वो बाहर गए हैं और आपको हमारे साथ आके ब्रेकफास्ट के लिए खाना है, हमारे मास्टर ऐसा बोल के गए हैं। और ब्रेकफास्ट के लिए वो उसे फर्स्ट फ्लोर पे आने के लिए कहती है। तो जी भी बोलता है ठीक है मैं फर्स्ट फ्लोर पे आता हूँ, तुम पहले चलो। और फिर वो जाता है और रूरू को उठाने की कोशिश करता है। अब रूरू अभी भी नींद में होता है, रूरू किसी तरह अपनी आंखों को रब करता है और उठता है और फिर दोनों मिलकर ब्रश करते हैं। अभी ब्रश कर ही रहे होते हैं दोनों, उसके बाद वो लोग अपना मुंह भी वॉश करते हैं और फिर उसके बाद वहां पर काफी सारी चीजों को वो देखते हैं जो कि बहुत ही आलीशान होती है, जिसको देख के उनकी आंखें चौंक जाती है। और सेवन बोलती है कि सर आपका ब्रेकफास्ट रेडी है। जब वो ब्रेकफास्ट देखते हैं तो मेज पे बहुत सारे तरह तरह के व्यंजन रखे होते हैं। और तभी ई और बच्चा सोचता है कि इतने सारे तरह तरह की चीजें देख के तो हमारी आंखें अब तक यूज टू ही हो गई, क्योंकि घर भी इतना लग्जरी है, खाना भी इतना लग्जरी है। और दोनों खाने की टेबल को ताड़ने लगते हैं। और तभी वहाँ के जो सर्वेंट है वो सोचते हैं कि ये दोनों कितना खा रहे हैं, जल्दी जल्दी ग्लप ग्लप करके खा रहे होते हैं। तभी कोई बोलता है मिस्टर ही बताता है कि आपका जो फोन है वो कल कार में रह गया था, तो हमारे बॉस ने कहा है कि हम आपको आपका फोन वापस कर दे। तभी जो खाना खा रहा होता है उसे अपने फोन की तरफ देखता है जो कि बज रहा होता है रिंग 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 करके, और उसके ऊपर लिखा होता है कि उसकी एजेंट का फोन है ये, और वो फोन अपने हाथों में लेता है। और वहां पर उसकी एजेंट बोलती है, एजेंट को देख के वो अपने फोन को उठाता है फटाफट और वो अपना थोड़ा सा नर्वस भी हो रहा होता है कि क्या ही बोलेगी। तो वो बोलता है हेलो मिस जैन, और उसके बाद पूछता है कि आपने मुझे कॉल क्यों किया, क्या मुझे कुछ काम था आपको। और उसके बाद वो लेडी बोलती है कि आप कंपनी में आई हैं, मुझे कल रात के बारे में आपसे बात करनी है और मुझे साथ में आपके फ्यूचर के भी बारे में बात करनी है, फ्यूचर वर्क के बारे में। और ऐसा कह के वो फोन रख देती है।
ये अपना फोन काफी देर तक चलाता रहता है और उसके बाद बच्चा पूछता है कि क्या प्रॉब्लम हो गई है, और उसके बाद ये बताता है कि मुझे कंपनी में जाना होगा, आगे का कल एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हुआ था। और मैं उसके अपने मन में वो ये भी सोचता है कि मैं अब रूरू का क्या करूं, क्या मैं उसे इन लोगों के साथ छोड़ के जाऊं या उसे अपने साथ लेके जाऊं। और तभी वो सोचता है कि मुझे इन लोगों को किसी तरह चकमा देना चाहिए और उनके साथ चले जाना चाहिए। तभी ही बच्चे के गाल पे प्यार से हाथ फेरता है और बोलता है कि इट्स ओके रूरू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो सोचता है, रूरू के कान में बोलता है कि मैं तो बहुत ही बड़ा जीनियस हूँ, और रूरू हम ये चीज ट्राई करते हैं। और कुछ प्लान वो उसके रूरू के कान में बोलता है, क्योंकि ये लोग तो वैसे भी बहुत शरारती, पता नहीं क्या क्या प्लान बनाते रहते हैं। रूरू बोलता है ओके ओके, और ये बोलता है आई गॉट इट आई गॉट इट। और तभी बोलता है कि चलो चलो हम मॉन्स्टर को मिलके बीट करेंगे और वर्ल्ड के ऊपर कॉन्कर करेंगे। बच्चा भी बोलता है ओके ओके, हम मॉन्स्टर को बीट करेंगे। दोनों जोश में आकर खड़े हो जाते हैं और मूव क्विकली करने लगते हैं, जल्दी जल्दी चलने लगते हैं, पेरेंट्स उन्हीं को देखने लगते हैं। तभी एक काले कपड़े पहना हुआ आता है और बोलता है, मिस्टर जी आप क्या जाना चाहते हैं? तभी और साथ में ये भी बोलता है कि आप कभी भी जा सकते हैं, ड्राइवर भी रेडी है, बट जो यंग मास्टर है वो उसे यहीं रहना पड़ेगा। और ये यंग मास्टर कोई और नहीं, रूरू ही है। और फिर वो बोलता है, ये बोलता है कि मुझे पता था ये इतना आसान नहीं होगा। और तभी उसे इमेजिनेशन करने लगता है कि जो सीईओ है वो कितना ही डेमोरिंग है, मतलब कितना अपना जज्बा दिखाने वाला है, और क्या वो हम दोनों को घर में अरेस्ट करने की, हाउस अरेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो हमें घर में कैद करके रखना चाहिए क्या। तभी वो सोचता है कि लेकिन मुझे कंपनी में जाने के लिए जल्दी करना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके। तभी वो फिर अपने मन में सोचता है कि मुझे प्लान बी यूज करने की जरूरत है। और वो बोलता है डी है रूरू, और रूरू भी जो है वो उसको बोलता है हाँ क्या हुआ। और तभी बोलता है कि अपना जो शो है, अपना नाटक जो है वो चालू करो। और ये जुरू भी उसकी आंखों में देखते होता है कि वो इसके लिए हमेशा से तैयार है। दूसरी ओर मीटिंग चल रही होती है और तभी सीईओ बोलता है कि तुम लोग सब अपने अपने काम पे वापस जाओ। और तभी उसका फोन बजता है और वो फोन को उसको कोई सेक्रेटरी लाते रहता है और बोलता है बॉस आपका फोन आ रहा है। और जब सीईओ फोन उठाता है और बोलता है हेलो, तो वहां से आवाज आती है कि बॉस हमें माफ करना, मिस्टर ही एंड रूरू जो है यानी उनका यंग मास्टर वो भाग गए हैं। बॉस बोलता है यानी कि सीईओ बोलता है कैसे क्या। तो वो बताते हैं कि जब यंग मास्टर अपने रूम में वापस गए थे तो वो बोल के गए थे, दो रहे थे और बोल के गए थे कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसके बाद अब बोले कि उनके लिए डॉक्टर को बुलाया जाए और हम उनके साथ वो चीज के लिए कॉपरेट कर रहे थे। और तभी ये इतना अर्जेंट था कि मिस्टर ही ने भी कहा कि इसको हॉस्पिटल भेजना चाहिए जिससे कि इसका एग्जामिनेशन हो सके बॉडी का। और तो हम जब हॉस्पिटल में थे तो वो लोग भागता है और तभी ना सीईओ को बहुत गुस्सा आता है और जोर से अपनी मुट्ठी को टेबल पे मारता है और आवाज आती है जोर से थर्ट थर्ट की। और अपने मन में ये भी सोचता है कि ये दोनों कितने ट्रबलसम हैं, कितने शैतान हैं, और ऐसा सोच के वो फोन रख देता है। और दूसरी ओर उन दोनों का चेहरा अपने दिमाग में इमेजिनेशन कर रहा होता है कि ये लोग कब समझेंगे कि ये सारी हरकतें नहीं करना चाहिए। और वो ये भी सोचता है क्या कि ये लोग भाग सकते हैं मेरे से कभी भी, ऐसा सोच के वो अपनी भाव को टाइट कर रहा होता है और सोचता है कि जरा रुको और देखो मैं क्या करता हूँ। और दूसरी तरफ ये दोनों हॉस्पिटल से निकल रहे होते हैं क्योंकि इनका प्लान जो है वो काम कर चुका होता है। दोनों बड़े खुश हो रहे होते हैं कि इनका जो ये घटिया सा प्लान था उसमें ये सफल हुए और हंसते हंसते जाने की तैयारी करते हैं। तो है और फोन की तरफ देखता है और सोचता है कि मैं खुद ही
उन लोगों को ढूंढ लूंगा किसी भी तरह। वो अपने कोट के बटन बंद करता है और आगे निकलने की तैयारी करता है। तभी वो उसकी सेक्रेटरी आती है और बोलती है कि बॉस आपकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है कुछ ही मिनट्स में। तभी वो सीईओ बोलता है, मीटिंग? कौन सा मीटिंग? क्या यह मीटिंग मेरे बच्चे से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? और तभी हॉस्पिटल की तरफ दिखाया जाता है कि वो लोग हर जगह ढूंढ रहे होते हैं, स्टोर रूम में तो कहीं और आजू बाजू हर जगह। और काले कपड़े पहने हुए आदमी बोलता है कि हर एक कोने को ढूंढो, और ये भी बोलता है कि एक भी कोना मिस आउट नहीं होना चाहिए और तुम्हें उन दोनों को ढूंढना ही पड़ेगा। तभी ये दोनों स्टोर रूम से निकल रहे होते हैं चुपके चुपके से, और फिर एक बस दिखाई जाती है जो कि आती है, और ये दोनों राहत की सांस लेते हैं बस स्टॉप पर पहुंच के। और तभी पी बोलता है कि रूरू तुम कितने अच्छे एक्टर हो, तुम्हारी जो एक्टिंग है वो बहुत ही अच्छी है, आगे चल के तुम एक बहुत ही अच्छे एक्टर बन सकते हो। तो रूरू बोलता है क्यों ना होगी मेरी एक्टिंग अच्छी जब मेरा टीचर ही इतना अच्छा है। दोनों हंसते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। तभी दूसरी तरफ एंटरटेनमेंट उनकी जो कंपनी है वहां पर दिखाया जाता है कि लोग कैमरे से किसी का फोटो खींच रहे होते हैं और बोलते हैं कि वो कौन है, और यी और रूरू ये देख रहे होते हैं। और तभी वहां से आवाज आती है कि अपना कैमरा तैयार रखो, और लोग बोलते हैं कि देखो ये कितनी ब्यूटीफुल है लीली, मैं तुम्हारा फैन हूँ। ये जैंग लीली है जो कि एक एक्टर है और ये अभी अभी आई है, और यी इस एक्टर को देख रहा होता है। तभी यी सबको लीली जो है सबको हाय बोलती है पलट के, और तभी यी को याद आता है कि ये जो है अब वो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। जब वो पहली बार आई थी, जब उसने कंपनी पहले ज्वाइन की थी, तो वो उसको मिस्टर यी कह के बुलाती थी, लेकिन अब यी को उसे रिस्पेक्ट से बुलाना होगा। तो वो ये सोच के थोड़ा हंसता भी और दुखी भी होता है। दूसरी तरफ वो ऑफिस में जाता है और वहां पर नॉक करता है। जब वो नॉक करता है तो जो लेडी होती है जैन, वो उसे बोलती है इधर आओ। वो तब अपना फोन देख रही होती है। जब वो देखती है कि वो आ गया है तो पूछती है कि क्या तुम आ गए हो, और तभी ये अपने बच्चे के साथ वहां पर उसको बोलता है कि मॉर्निंग मिस जैन। और तभी मिस जैन वो बच्चे को देखती है और बोलती है किसका बच्चा है, कितना क्यूट है। तभी ये बताते हैं कि ये मेरा कजन है, इसके पेरेंट्स जो है वो बहुत बिजी हैं। इसे एक बात बता दूं कि अभी तक रूरू की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया गया है। रूरू जो है वो यहाँ पर सेट पे ही का कजन है और पर्सनल में इसका फादर है। तो वो पूछती है कि तो ये बताता है कि उन लोगों ने मुझे कहा कि मैं इसका ध्यान रखूं जब तक वो लोग बाहर हैं, और ये भी बताता है कि जरूरी है वो बहुत ही अच्छा बच्चा है और वो हम लोगों को हमारे काम में डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो हमें चिंता की जरूरत नहीं है। और तभी रूरू उस औरत को बोलता है, मेरी जान को बोलता है गुड मॉर्निंग, मैं रूरू हूँ और मैं बहुत ही अच्छा बच्चा हूँ। तभी जो मिर्जैन होती है उन्हें तो बस प्यार ही आ जाता है, उसकी क्यूटनेस उनके बस दिल से आर पार कर जाती है, और वो बोलते हैं कि आप लोग सीख लीजिए। तभी वो बोलता है कि यहाँ पर मुझे क्यों बुलाया गया है, और तभी मिस्टर जैन बोलते हैं कि तुमने किसी बड़ी हस्ती को ऑफेंड किया है करके। तभी ये को याद आता है कि उसने डायरेक्टर के साथ उसका झगड़ा हुआ था और डायरेक्टर को कैसे उसने लात मार दी थी और डायरेक्टर कैसे गिर पड़ा था, तो क्या डायरेक्टर अब उसके साथ रेवेंज लेगा और करके उसे याद आता है। और वो ये भी सोचता है कि शायद पुलिस नीचे आई होगी और उसको ले जाएगी और अब शायद वो जेल में ही अपनी सारी जिंदगी गुजारेगा। जो तभी इन जो लेडी है मिसेस जैंग, वो बताती है कि जो डायरेक्टर पैंग है वो बहुत ही ज्यादा घायल हो गए हैं और उन्हें काफी सारे मल्टीपल फ्रैक्चर्स भी हुए हैं और वो सारे बेहोश भी हैं और हम नहीं जानते कि वो कितना बजे तक मतलब उठेंगे करके और कब उठेंगे। तभी यही सोचता है कि मैंने तो उसे सिर्फ एक ही बार लात मारी थी तो इतना सब कुछ कैसे हो गया, और क्या वो इस तरह की हरकत करके मुझे ब्लैकमेल करना चाह रहा है क्या।
तभी मिसेस जैंग बताती है कि जो डायरेक्टर पैंग है उन्होंने पहले भी बहुत सारे बुरे काम किए हैं, और कहीं का पैसा, कहीं फंडिंग का विड्रॉल कर लेते थे वो, और गलत काम करते थे, इसलिए उनके ऊपर और भी ज्यादा केस हुआ है करके। और फिर ये भी बताती है कि देखो पेपर देखो, इसमें लिखा हुआ है कि जो आदमी इंजर्ड हुआ था, जो गिर गया था, वो अभी भी आईसीयू में है और उसकी स्थिति जो है अभी अच्छी नहीं है, पता नहीं वो ठीक से रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। और तभी वो देखता है कि न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है कि डायरेक्टर में बहुत सारे इल्जाम लगाए गए हैं, और जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी अपना पैसा जो है वो अभी उस पिक्चर में से वापस निकाल रहे हैं और दूसरों को भी वापस लेने के लिए कह रहे हैं। तब उसे याद आता है कि मॉर्निंग में उसे काफी सारे कॉल आए थे, और वो बताता है कि काफी लोगों ने उसका कॉन्ट्रैक्ट भी एंड करने के लिए कहा था। तभी मिसेस जैन बोलती है कि डायरेक्टर ने काफी सारे लोगों के साथ पंगे किए थे, इसलिए उसे उसका तो अभी कैरियर अंतिम हो जाएगा, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुमने किसी बड़ी हस्ती के साथ कोई वो किया है क्या, किसी बड़ी हस्ती को ऑफेंड किया है क्या, नहीं तो क्योंकि तुम्हारा जो है वो बहुत ही ज्यादा बैड लक चल रहा है। तो यही बोलता है, लेकिन मैं किसको करूंगा ऑफेंड, मैं तो एक नोबडी हूँ, मुझे तो किसी ने नोटिस भी नहीं किया है अभी। तो मिसेस जैंग बोलती है हाँ ये बात तो सही है कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम बहुत ही फेमस एक्टर हो, तुम्हारे साथ कोई क्यों ऐसा करेगा, लेकिन फिर भी तुमने देखा है क्या कि तुम कितने अनलकी हो, तभी सोच रहा होता है। तो मिसेस जैंग बताती है कि तुम ये कह सकते हो कि कल जो भी हुआ वो एक एक्सीडेंट है, लेकिन यदि तुम इनका पैटर्न देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि ये सब एक तरीके से ही हुए हैं। तुम्हारी दो सीरीज जो थी वो फेल हो गई थी, और जो तुमने जिनमें में काम किया वो कुछ तो बैंड भी हो गई, और कुछ पॉलिसी की वजह से तुम्हें निकाल भी दिया गया, और तुमने जितने कुछ एक दो तीन जिसमें किए थे उसमें से तुम्हारा चेहरा तो हटा ही दिया गया था, तुम्हें बस ऐसे ही रखा था। तो ये सोचता है कि वो वाकई में कितना अनलकी है, और उसे काफी चिंता होने लगती है। और तभी मिसेज जैन बोलती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई इन सब चीजों के पीछे है जो तुम्हें तुम्हारी उन्नति से रोक रहा है करके। और बोलती है कि मैं तो एक साल से तुम्हें काफी सालों से तुम्हें फेमस बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी तुम अभी तक फेमस नहीं हुए, तुम्हारा जो अपीरियंस है वो काफी अच्छा है, ये गॉड गिफ्ट है, और इससे तुम्हें फेमस हो जाना चाहिए था। तभी बोलता है कि शायद मुझे और मेहनत करने की जरूरत है। तो मिसेज जैंग बोलते हैं कि तुमसे ज्यादा हार्ड वर्किंग एक्टर वैसे भी मैंने किसी को नहीं देखा, तुम ऑलरेडी वैसे ही बहुत मेहनत कर रहे हो, और मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि अभी तुम्हारा बैड लक चल रहा है। उसी के साथ वो बताती है कि मैं तुम्हारा कैरियर एंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं दूंगी, मैं तुम्हें एक शूटिंग का एड शूटिंग का प्रोजेक्ट दे रही हूँ, और जो हॉलीडे के अंदर तुमको करना है। और फिर उसी के साथ वो उसको शूटिंग का दे देती है, और तब यही सोचता है कि ठीक है सिर्फ शूटिंग ही करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पेपर को हाथ में लेता है और पढ़ता है। तभी तो दूसरी ओर सीईओ के बॉडीगार्ड उनको मिलते हैं और बोलते हैं कि हमने उनको ढूंढ लिया है, और बताते जब सीईओ पूछता है कि वो कहाँ पर है, तो वो बताता है कि वो शूटिंग कर रहे हैं एक पोस्टर की एडवर्टाइजमेंट के लिए। तभी सीईओ को लगता है कि इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती, क्योंकि उसने सब जगह उसको ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला, और यहाँ वो बच्चे के साथ शूटिंग कर रहा है किसी एड की। और तभी सीईओ बोलता है कि तुम जरा रुको, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। शूटिंग में शूट करने जाता है, और वहां पर कैमरामैन बोलता है कि थोड़ा सा अपना चिन को ऊपर करो, और लगे हाथ वो बहुत सारे फोटोज खींचता है, कि काफी सारे पोजेस देता है, और जो फोटोग्राफर है वो बोलता है वेरी गुड। कि तभी बताता है कि ये एक बहुत अच्छा फीलिंग है इस तरीके से शूट करना, और वो लगातार अच्छे अच्छे पोज देता रहता है, और उसको वहां से कैमरामैन बोलता है बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छे अच्छे शूट के पोज लिए हैं, अब अपना चेहरा इस तरफ करो और कैमरे की तरफ देखो, और अपने हाथों को नीचे रखो और थोड़ा सा राइट की तरफ मुड़ो। और तभी ये बोलता है इस तरह, और फिर कैमरामैन बोलता है कि मुझे तुम्हारी आंखों का भी फोकस अच्छा सा चाहिए करके। तभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये जो है वो बहुत ही हॉट है, और इसमें जो
प्रोडक्ट उन्होंने चूज किया है एडवर्टाइजिंग के लिए, वो बहुत अच्छे से दिखेगा करते हैं। और फिर उसके बाद ड्रेसिंग रूम में ही जाता है, और वहां पर जो मेकअप आर्टिस्ट होती है वो बोलती है कि जो तुम्हारा स्किन है वो बहुत ही अच्छा स्किन है, और बोलती है कि तुमने शायद अपने स्किन के लिए बहुत ज्यादा केयर करी होगी तभी तुम्हारा स्किन इतना अच्छा है। तभी ये बताता है कि ज्यादा कुछ नहीं करता मैं, कभी कभी अपने चेहरे पे मॉइस्चराइजर लगाता हूँ, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करता। तभी रूरू आता है और ये को बोलता है कि वो हंगरी है, उसे भूख लगी है, और तभी ये बताता है कि शूटिंग जो है बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम खाना खाने चलेंगे। तभी बोलते हैं, एक आदमी आता है जैसे मैं, और बोलता है कि इधर आओ, इधर आके इसको देखो, ये आउटफिट को देखो कैसा है, ये उसे देख रहा होता है। और तभी ये दोनों लोग बोलते हैं कि जो ये आउटफिट आउटफिट है वो बहुत ही अच्छा है, तुम इसको पहनोगे तो इसमें तुम बहुत अच्छे दिखोगे, और तुम्हारे पे सूट भी करेगा, और तुम बहुत फैसिनेशन दिखोगे। तभी पूछता है कि तुम्हारे पास ये आइडिया इतना अच्छा सा कहाँ से आया, और तुम इतना कॉन्फिडेंस कैसे हो कि हम अच्छे दिखेंगे। और दूसरे बच्चे को अभी भी भूख लग रही होती है, बच्चा क्यूट सा फेस बनाता है और बोलता है कि मुझे अभी भी भूख लग रही है। जो आदमी कपड़े लेके आता है वो भी क्यूटनेस में मेल्ट कर जाता है और पूछता है कि ये बच्चा किसका है करके। तो ही बताता है कि ये बच्चा जो है वो मेरा कजन है करके। और तभी जो आदमी कपड़े लेके आता है वो पूछने लगता है बच्चे को, सर तुम भी हमारे साथ फोटोशूट करना चाहोगे करके, मैं तुम्हें और पेमेंट दूंगा, और कुछ कूपन्स भी दूंगा फ्री जो बेकरी में काम आएंगे, 10-10 कूपन्स है। दोनों की बाप बेटे की आंखें चमक उठती है, क्योंकि ये लोग बहुत खाना पसंद करते हैं चीजें। तभी ये बोलता है ठीक है, ये डील तय हुई, अब हम दोनों इस फोटोशूट को कंप्लीट करेंगे करके। तभी दोनों अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और तैयार हो जाते हैं, और फोटोशूट होने लगता है। दोनों ही एक अच्छा अच्छा पोज देते हैं, और एकदम से क्यूट वाला भी पोज देने लगते हैं। और तभी सारे जो कैमरामैन वगैरह हैं वो लोग उसको बोलते हैं कि बहुत अच्छा है, क्यूट है और एडोरेबल है। तभी एक आदमी आता है जिसका नाम होता है मिस्टर फैंग, और लोग उन्हें बोलते हैं कि आप इस तरफ चलिए करके, आगे हमारा स्टूडियो है। और तब वो लड़की पूछती है कि इस स्टूडियो का ओनर कौन है, और तभी लड़की बोलती है मिस्टर जैन आप यहाँ क्यों आए हैं, और वो बताता है कि मैं इन्वेस्टर्स को आजू बाजू में दिखाने आया हूँ, और आप लोग मेरे वर्क को इंटरप्ट मत करना, और अब आप यहाँ से जा सकते हो। तभी वो सोचते हैं कि ये लोग कौन है, क्या ये लोग कोई बहुत ही बड़ी हस्ती है। और दूसरी ओर इन दोनों का शूट खत्म ही नहीं हो रहा होता, ये लोग वियर्ड वियर्ड पोज लेते हैं और अपना शूट करते ही चले जाते हैं। तभी जो सीईओ है वो भी देखता है इनको चुपके से और सोचता है ये किस तरह का पोज है, लेकिन इन दोनों को कोई खबर नहीं है, ये अपनी ही धुन में है। एक से एक बढ़ते ये लोग पोज देने लगते हैं। सीईओ इन दोनों को देखता है और इसको बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे, और वो जाता है और बताता है, बोलता है मिस्टर फैन बोलते हैं कि ये हमारे प्रोडक्ट का सिंपल ब्रोशर है, आप इसकी तरफ देखिए करते। सीईओ बिना कुछ देखे उससे वो ब्रोशर को अपने हाथ में मांगता है। और तभी ये बताता है कि ये जो है लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट मॉडल है ये, और ये कभी कभी बीच में आके हमारे एड्स को शूट करता है, तो चाहे एड्स छोटे हों चाहे बड़े हों ये ही हमारे एड्स सारे शूट करता है। और ये बोलता है कि जो ये है वो हैंडसम भी है और प्रोफेशनल भी है, इसकी तरह कोई और नहीं है, और इसका जो शेप है वो भी बहुत अच्छा है, और जो कपड़े हैं किसी भी तरह के कपड़े होते हैं वो इसके ऊपर सूट होते हैं, और जो ब्रांड है वो भी इसे हायर करते हैं, और वो लोग इसकी शूटिंग से बहुत इंटरेस्ट भी हैं। और बताता है कि जितने भी कपड़े इसने ट्राई किए वो सब बिक जाते हैं,
और ये जो है ये बहुत ही अच्छा ब्रोशर है, इसमें सब कुछ अवेलेबल है। और वो ये भी बोलता है कि ये वाला जो इस पर शूट कर रहा है ये बहुत ही बड़ा हिट होगा और इसका भी सामान सब बिक जाएगा। और दूसरी तरफ ये और रूरू की शूटिंग खत्म ही नहीं हो रही होती है, एक दूसरे को अच्छे अच्छे पोज देते खुश होकर फोटोज से फोटोज खिंचाए रहते हैं। और सीईओ जो है वो इरिटेट हो रहा होता है लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता है, तो वो बस इधर उधर मुंडी हिलाता है। तभी ये सीईओ को देख लेता है और इधर पे सीईओ मैनेजर से बात कर रहा होता है। तभी सारे लोग चेयर कर रहे होते हैं कि कितना अच्छा शूट हुआ है, कितना अच्छा शूट हुआ है, नेक्स्ट पोस्टर दो, नेक्स्ट पोस्टर दो। और तभी री रूरू को अपनी गोदी में उठाता है और एक अच्छा सा पोज देता है, और उसे ये भी महसूस होता है कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। और तभी वो बोलता है सीईओ को, सीईओ का नाम इसका टाइम है, कि आप क्या शूट को नेक्स्ट शूट देखना चाहेंगे करके। और तभी जो कैमरा मैन है वो बोलता है ये बहुत ही परफेक्ट शूट हुआ है, मुझे ये सारे फोटोज बहुत पसंद आए हैं और इन्हें मैं इंटरनेट पे भी अपलोड करूंगा और ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो है वो सेल हो जाएंगे, हमें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी ओर सीईओ सोच रहा होता है कि इसे ये सारे पोस्टर्स कैसे अच्छे लगते हैं, और वो बोलता है कि ये सारे जो फोटोज हैं उन्हें प्राइवेट में ही रखो और इन्हें पब्लिक मत करो। मैनेजर को सीईओ ऐसा बोलता है और ये भी बोलता है कि फोटोग्राफर को बोलो कि सारे फोटोज जो है वो मुझे ईमेल में भेज दे। मैनेजर हाँ बोलता है। और तभी वो ये भी बोलता है कि इन लोगों के ऊपर नजर रखना, मैं जा रहा हूँ करके, और सीईओ आगे की तरफ निकल जाता है। तभी इंपीरियल इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वो लोग जाते हैं और वहां पर वो किसी आदमी से मिलने जाता है और कुर्सी पर बैठा होता है। तभी एक आदमी पूछता है कि भाई तुम यहाँ क्यों आए हो, कैसे आना हुआ, और साथ में चाय भी देता है। तभी वो बोलता है मेरी एक रिक्वेस्ट है जिसके लिए मैं आया हूँ करके। तो ये जो नया बंदा है वो बोलता है कि तुम हमारी क्या रिक्वेस्ट है, तुम इस बार यहाँ क्यों आए हैं, तुम तभी आते हो जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ती है। और ये जो है वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सीईओ है बाई। तो बोलता है, सीईओ बोलता है कि मेरे पे एक फेवर करो, और एक फोटो रखता है और इस फोटो में बोलता है कि ये जो आदमी है इसे तुम्हें किसी भी तरह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से शट डाउन करना होगा।